हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फायर आइस गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही ज्यादा खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स है हेडशॉट मारने के लिए। आई मीन यूएमपी, MP40, MP5, P90 ये सब गन से बहुत ही खतरनाक लेवल में आप हेडशॉट मार पाओगे, वो भी सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद ही। बट आपको मैं जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखना होगा आपको, और बिल्कुल अच्छे से फॉलो भी करना होगा, अदरवाइज रहने दो यार। नहीं मतलब मैं नहीं बता रहा, रहने बेसिकली। आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे, बट जो टिप नंबर 3 होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको 1 और 2 मैं बेसिक बताऊंगा, बट जो 3 बताऊंगा वो सबसे एडवांस वाला टिप्स एंड ट्रिक होगा, तो उसे मिस मत करना। चलिए बढ़ते हमारे टिप नंबर 1 की, और हमारे टिप नंबर 1 है सेटिंग। देखो जहां पे बात आती है सेटिंग की, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक भी सेटिंग नहीं बना पाया गेम की, बट मैं आप लोगों की सेटिंग बिल्कुल बेस्ट बना के जाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको ड्रैग हेडशॉट मारना है शॉर्ट रेंज में, मिड रेंज में, तो आपको अपने फायर बटन को रखना होगा जितना हो सके नीचे। अबे इतना नीचे नहीं, जितना आप संभाल पाओ। आप जैसे यहाँ पे रखते थे तो हल्का सा इसको नीचे कर दो, जिससे कि आपको स्पेस मिले ड्रैग करने के लिए। जितना ज्यादा आप ड्रैग करोगे एम उतना ज्यादा ऊपर जाएगा यार, मतलब जितना स्पीड से आप ड्रैग करोगे ऊपर जाएगा, एनिमी को हेड लगेगा। और अगर आप यहाँ रखोगे फायर बटन तो आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा, बॉडी पे लॉक हो जाएगा आपका एम, और हेडशॉट तो दूर की बात, समझा। बाकी कुछ मैटर नहीं करता, आपका ड्रैग ही मैटर करता है। आप जितना ज्यादा ड्रैग करोगे उतना खतरनाक हेड लगेगा, जितना स्पीड से ड्रैग करोगे वो सब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यार, सबर करो। उसके बाद आपको अपने सेंसिटिविटी को बढ़ा लेना है जितना ज्यादा आप कंट्रोल कर पाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बढ़ा दिया और ऐसे घूम रहे हो, इतना स्पीड घूम रहे हो कि आप खुद संभाल नहीं पा रहे हो। नहीं, आप जैसे संभाल पाओ, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना आप कर पाओ, आपको लगे कि हाँ इतना सही है, इतने में मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये ज्यादा नहीं लग रहा और कम भी नहीं लग रहा। क्योंकि अगर आपका सेंसिटिविटी कम हुआ ना तो भी यहाँ पे ड्रैग अच्छे से नहीं होगा, धीरे ड्रैग होगा, बॉडी पे एम लॉक होगा और फिर वो येलो नंबर बन जाएगा रेड नंबर की जगह। ये तो था बेसिक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मारते हो। अब हम बढ़ते है कि गेम ने ऐसा क्या बनाया जिससे आप हेडशॉट मार सकते हो, तो बढ़ते हमारे टिप नंबर 2 की ओर। टिप नंबर 2 है हमारा गन स्किन। देखो कोई कितना ही ज्ञान दे दे कि गन स्किन से कुछ नहीं होता, ये वो मैं खुद भी ज्ञान दे दूं, बट गन स्किन से थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। अगर आप ड्रैग हेडशॉट मारना चाहते हो शॉर्ट रेंज, मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज पे, किसी भी प्रकार के ड्रैग हेडशॉट को मारने के लिए आपकी हेल्प करेगा डबल रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन। एक्यूरेसी प्लस हो जाए तो और अच्छी बात है, बट डबल रेट ऑफ फायर जहां प्लस हो गया ना गन में, भाई ड्रैग हेडशॉट आई हाई ओनली रेड नंबर ही लगता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर, वेट कैरेक्टर में बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास गन स्किन नहीं है तो आप गन स्किन कैसे ले सकते हो। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल लेजिट तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अपने अकाउंट में डायमंड ले सकते हो, एंड उसके बाद कोई भी गन स्किन डबल रेट ऑफ फायर वाली निकाल के ड्रैग हेडशॉट इजीली मार सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड आपको बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना है कि आपको क्या करना है। वीडियो के टाइटल पे जैसे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुलेगा और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे दबाते ही चले जाओगे आप इस वाले पेज पे। यहाँ पे MS धोनी सर ऐसे एरो करके दिखाएंगे, डाउनलोडेड गेट रुपीज 550 ₹550 आपको डाउनलोड करने से मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसको जल्दी से डाउनलोड करना है एंड उसके बाद जल्दी से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको खोलते हैं, यहाँ पे फिर से MS धोनी सर के दर्शन हो जाएंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करना है एंड आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर डाल के सेंड OTP करना है। आपके फोन में एक अचानक से कॉल आएगा, कॉल कट भी हो जाएगा, वो लोग बस वेरीफाई करेंगे कि आपका सिम आपके फोन में है ना, बस इतना करके आप हो जाओगे वेरीफाइड। उसके बाद आप गेम को जैसे ही ओपन करोगे, MS ऐप को जैसे ही ओपन करोगे, आपको यहाँ पे कुछ बोनस दिखेगा। अगर आपको ये बोनस नहीं दिख रहा है तो एक गेम खेल लेना, कोई भी गेम फ्री वाला या फिर जो भी आपको दिख रहा है वो खेल लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे बोनस मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जिस वाले गेम में भी आप प्रो हो, जैसे फ्रूट चॉप हो गया, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी, कुछ भी, जितने भी गेम्स आपको दिख रहे हैं आप किसी को भी खेल सकते हो अपने बोनस वाले पैसे से, यहाँ पे जो साइन अप बोनस मिला आपको। एंड आप जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हो मुझे ₹20 मिले थे, मैंने ₹20 से ₹212 कर दिया यार, गेम खेल के देख सकते हो कितना जीता मैंने यहाँ पे। एंड मैंने इसको इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर लिया और आप देख सकते हो मेरे फोन पे में ये इंस्टेंटली आ गया। अगर आप चाहते हो इसका रिडीम कोड बनाना और डायरेक्ट जाके अपने फ्री फायर अकाउंट में डायमंड लेना, तो यहाँ पे आप रिडीम कोड भी बना सकते हो, जितने भी पैसे आपने यहाँ पे जीते हैं तो आप यहाँ से डायमंड्स ले सकते हो। मैं इसको पर्सनली 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ, बट मैंने कल सोचा कि चलो यार इसको खोल के देखते इसके अंदर क्या है, क्या कोई मतलब कुछ नया आया है या फिर नहीं, तो मैंने खोल के देखा, फिर मैंने अपने नंबर से रजिस्टर किया तो मुझे पता चला कि मुझे साइन अप बोनस नहीं मिला है, क्योंकि मैं उस नंबर से पहले ही रजिस्टर कर चुका था। तो अगर आपने पहले कभी गलती से विंजो को डाउनलोड किया
है तो आप किसी नए नंबर से करना, क्योंकि अगर आप नए नंबर से करोगे तो ही आपको यहाँ पे साइन अप बोनस मिलेगा। आई थिंक एक गेम खेलने के बाद आपको साइन अप बोनस मिलता है, तो एक गेम भी खेल लेना। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट सेक्शन में भी है, तो डाउनलोड करो एंड पैसे जीतो एंड उसके बाद फ्री फायर में डायमंड्स लो। डायमंड सब कुछ चाहिए यार, तो लो। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट टिप, नहीं इसी टिप के अंदर आपको कुछ और चीजें बतानी है, जैसे कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके हेड वेट लगने। भाई बहुत सारी चीजें यार, आप छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे ना तो आप हेड क्या आप कुछ भी मार लोगे। अरे मतलब गलत मत समझना, हेडशॉट बॉडी शॉट जो आप चाहो वो मार लोगे। तो आपको यहाँ पे जाना है कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डीपी। देखो बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, पर इसके नाम पे नहीं जाके इसके काम पे जाते। व्हेन फायरिंग व्हाइल मूविंग, मूवमेंट स्पीड इंक्रीजेस बाय 30%, एक्यूरेसी इंक्रीजेस बाय 60%। मतलब आप जब फायर करोगे आपका मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाएगा। फायर करते करते आप चल चल के फायर कर रहे हो ना तो भी आप बहुत स्पीड से चलोगे और साथ ही साथ एक्यूरेसी 60% तक बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, SMG लेके अगर आप चलते चलते भी फायर करोगे आपका एक्यूरेसी माइनस नहीं होगा और ऊपर से बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगा, तो सामने वाला आपको हेड नहीं मार पाएगा। इसी के साथ आप एक और कैरेक्टर यूज कर सकते हो जिसका नाम है निकिता। ये सिर्फ वो प्लेयर्स यूज करे जो सिर्फ SMG वेपन्स चलाते, शॉटगन वगैरह नहीं चलाते, MP40 UMP ये सब चलाते हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। रीलोड स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 20% और आपका आखिरी का जो 15 बुलेट बचेगा SMG किसी भी SMG गन का, वो 30% ज्यादा डैमेज देगा। मतलब अगर आपका गन 100 का डैमेज दे रहा है तो लास्ट का जो 15 गोली निकलेगा ना वो 130 का डैमेज देगा। इससे तो आप बॉडी में ही बंदे को खत्म कर सकते हो, लेकिन हेड मार दिए तो एक दो हेड में ही बंदा खत्म। यहाँ पे आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, 126 का हेड पड़ रहा है, बट जैसे मेरा लास्ट का 15 गोली बच रहा है 164। अगर आप SMG यूज करते हो तो इसको जरूर यूज करना। बढ़ते हमारे टिप नंबर 3 की ओर। अब मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, जैसे आपको एम को एनिमी से थोड़ा सा दूर रखना, अचानक से ड्रैग कर देना है, ड्रैग आपको अगर आप दूर रहो थोड़ा सा तो आपको थोड़ा कम ड्रैग करना है, लेकिन अगर आप बिल्कुल पास हो तो बहुत ज्यादा ड्रैग करना है। ऐसे ऐसे चीजें मैं आपको इतनी सारी बता सकता हूँ, एकदम लिस्ट बना दूंगा, लेकिन ये सारी जो चीजें है ना ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद करोगे इसको। अपना जो एम होता है, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, इसको कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी चीज। आपको फ्री फायर में डिफॉल्ट एम मिलता है, बट बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपको डिफॉल्ट एम नहीं मिलता, प्रीसाइज रहता है, आपको खुद से एनिमी पे लेके जाना पड़ता है और बैठा के मारना पड़ता है, लेकिन फ्री फायर में डिफॉल्ट है, तो इस डिफॉल्ट का भी मास्टरी कर दो, एकदम एंड तक चले जाओ। चीजों को समझो कि आप कितने दूर में हो, कितने डिस्टेंस में हो, तो आपको कितना ड्रैग करना पड़ रहा है अपने एम को। अपना जो फायर बटन है, आपका जो स्क्रीन है, आपका जॉयस्टिक है, सबको अच्छे से बैलेंस कर लोगे ना उस दिन आपका हेड, भाई हेड क्या आप जो चाहो वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कहने का सिंपल और सीधा अर्थ ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, चीजों को समझना होगा, कहाँ क्या कर रहे हो, कैसी गलती कर रहे हो और क्या कर रहे हो तो हेड लग रहा है, उन सब चीजों को समझने के बाद आप ड्रैग हेडशॉट के किंग बन जाओगे। मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप किसी भी गन में मास्टरी कर सकते हो। अगर आप एक गन को लेकर लगातार 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 30 मिनट रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो ना, पांचवें दिन आपका हेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। CS में आप सबसे ज्यादा किल करोगे अपने टीममेट्स में से, होता है ना क्लास में 100 बच्चे रहते हैं, 100 में से 5 100 में 100 लाता है और 30 ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फेल होता है। स्कूल सभी रोज आते थे बट इनमें से कुछ पास हो गए, कुछ टॉप कर गए और कुछ फेल कैसे हो गए, टीचर ने क्या सबको अलग अलग पढ़ाया था? नहीं, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया, जिसने अच्छे से समझा, जिसने मेहनत करी वो टॉप कर गया और फिर बाकी बच्चे उनकी क्या ही बताऊं मैं, तो आप करो। एंड अगर आपको डायमंड चाहिए, अगर नहीं सबको चाहिए होते डायमंड, विंजो डाउनलोड करो, गेम्स खेलो खेलो यार और जीतो, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, मस्त गेम खेलो, बोनस तो मिल ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीजें थी दिल के अंदर मैंने बता डाली, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।